बॉम्बे टॉकीज साइंस लाइट साउंड कैमरा एक्शन। नमस्कार श्रोताओं, बॉम्बे टॉकीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं अभिनेता मनीष वाधवा से फिल्मी गपशप। ये बातचीत की है रेणु चतुर्वेदी ने। आइए सुनते हैं इस बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। तारा सिंह, बड़े मौके पर आया है तू, आज मिलेगी मेरे कलेजे को ठंडक। दोस्तों नमस्कार, आज हमारे साथ हैं बहुमुखी प्रतिभा के धनी मनीष वाधवा जी। मनीष जी, स्वागत है कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मनीष जी, आपने बहुत सारे किरदार निभाए हैं और सब में अपनी छाप छोड़ी है, सब आपको याद करते हैं। चाणक्य की बात करें, चाहे वो मोरोपंत की बात करें, या जो भी भूमिका आपने निभाई, तो कहाँ पर कैसे कैसे लोग आपको पहचानते हैं और कैसे याद करते हैं? मैं बताऊँ, ये ईश्वर की कृपा है कि जहाँ भी जाता हूँ कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने कोई ना कोई किरदार देखा है। चाणक्य तो ऑफ कोर्स सबसे ज्यादा है, कोई साहेब निरंजन साहेब जो मैंने बताया इस प्यार को क्या नाम दूंगा, कोई बालाजी विश्वनाथ भट्ट पेशवा के लिए, तो कोई कंस, अभी जब पठान आई थी तो जनरल कादिर हो रहा था, अब जब गदर आ गई है तो जनरल हामिद इकबाल चल रहा है। तो ये ईश्वर की कृपा है कि हमेशा मेरे साथ ऐसा होता रहा है। अभी जो सबसे बड़ी उपलब्धि मैं एक शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ, वो ऑफकोर्स नहीं हूँ, मैं अपने आप को समझता नहीं हूँ इस लायक, वॉर मेमोरियल है दिल्ली में जो अभी भी बना है नया, तो वहाँ एक बहुत बड़ी वॉल है मौर्य एम्पायर में अशोका की जो पुरानी जो समझ में आती है वैसी एक ड्राइंग है, मतलब पिक्चर, हाँ जो किरदार है वैसा बनाया हुआ है, पेंटिंग है, चंद्रगुप्त मौर्य की है, बिंदुसार की है, सबकी है, पर चाणक्य में मेरी लगी हुई है। तो ये किरदार जो है वो अमर हो गया है, मुझे ऐसा लगता है। ये ईश्वर की इतनी कृपा है, मेरे बड़ों का इतना आशीर्वाद है मुझ पर कि इसके लिए शब्द नहीं है मेरे पास। मनीष जी, एक बात है कि आपकी आवाज बहुत दमदार है। थैंक यू, मैं ईश्वर की कृपा, मैं पता था यही कहेंगे जी। लेकिन जब अभिनय की बात आती है तो आप दोनों में संतुलन कैसे रखते हैं, अभिनय का ध्यान रखना और चाणक्य जैसे धारावाहिक हो जिसमें कि एक पेस मेंटेन करना पड़ता है आपको, उसका ध्यान रखना पड़ता है, चाहे वो किसी भी भूमिका की बात करें, जैसे आपने बताया कि गदर 2 की हम बात करें या पठान की बात करें जी, तो कैसे ध्यान रखते हैं इसका? मैं आपको बताऊं, ये एक तो थिएटर से सीखने को मिला और डबिंग से, जो वॉइसिंग मैं करता हूँ इतने सालों से मैं करता आ रहा हूँ, जो मुझे चांस मिल गया मेरे दोस्तों की वजह से, तो ये सब मैंने वहाँ सीखा। आज भी मैं गदर 2 आ गई है, फिल्में आ गई हैं, चाणक्य सुपर हिट रहा, जनरली लोग अपना वॉइसिंग से कम अपना वो हटा देते हैं, लेकिन मैं आज भी उनको फ़ोन करता हूँ कि जब भी मेरी ज़रूरत हो मैं आपसे पैसे नहीं पूछूंगा, मैं ज़रूर आऊँगा करने, क्योंकि मेरा वो नेट प्रैक्टिस जैसे कहते हैं क्रिकेट की, मेरे लिए वो प्रैक्टिस है। अच्छा, क्योंकि आप किसी और किरदार को, किसी और कलाकार को देखते हैं और उसने जिस अंदाज में उसे किया है, आप वहां सीखते बहुत कुछ हैं, तो मुझे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। एक तो वॉइस, आपकी क्लैरिटी, आपके शब्द जो हैं वो बिल्कुल मोती की तरह होने चाहिए, क्योंकि जो हमारा खासकर फिल्म लाइन जो है वो जो माध्यम है वो ऑडियो विजुअल है, विजुअल ऑडियो नहीं है, हम उसे कहते हैं ऑडियो विजुअल। अगर आपका ऑडियो क्लियर है जी, तो आपको विजुअल आपको अच्छा लगेगा अपने आप, वो एकदम चुंबकीय आकर्षण। बिल्कुल, मैं किसी किसी कलाकार का नाम नहीं लूंगा कि वो कैसा दिखता है, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं, लेकिन उसकी आवाज हमें इतनी मधुर, इतनी अच्छी लगती है कि हम उसकी शक्ल को देखने के बाद भी हम उसके अंदर तक देखते हैं, क्योंकि वो यहां हमारे दिल को लगती है। और वहां कलाकार बहुत खूबसूरत है, क्या गुड लुकिंग बंदा है, लेकिन आवाज और उसकी जो डिक्शनरी है या जो उसके जो उच्चारण है या उसकी जो शब्द है वो हमारे जब कान तक ठीक से नहीं पहुंच रहे हैं तो हमारे हृदय को क्या टच करेंगे। तो आपका जो ऑडियो विजुअल मीडिया है वो बहुत क्लियर है, तो मुझे ये सीखने को मिलता है डबिंग में, तो मैं आज भी छोड़ता नहीं हूं। मनीष जी, सच बात तो ये है कि इतने वर्षों से मैं खुद जाहिर है कि श्रव्य माध्यम में काम कर रही हूँ, लेकिन जो आपने अभी बताया कि ऑडियो विजुअल मीडिया है, विजुअल ऑडियो मीडिया नहीं है, इस पर आज ध्यान गया कि श्रव्य दृश्य माध्यम है जी। तो श्रव्य पहले जी, बिल्कुल पहले महत्व तो रखता है, बिल्कुल रखता है। वाह क्या बात है, सीख लिया। और जो ध्वनि भी है आपके पास पहले आती है, आपको विजुअल बाद में, अगर आप पटाखा भी देखें तो पहले ध्वनि आती है बाद में उसकी लाइट आती है। क्या बात है, जो ध्वनि की गति है वो ज्यादा ज्यादा तेज है जी। सही बात है, तो हमें इस पर ध्यान देना चाहिए
और इसके लिए क्या रियाज वगैरह करते हैं या क्या करते हैं? रियाज मेरा हो जाता है इस पे, ये जो डबिंग मैं करता हूँ, वॉइस ओवर करता हूँ और चीजें, तो मुझे बहुत सीखने को मिलता है। वैसे आमतौर पर जब बहुत लोकप्रिय हो जाते हैं, मतलब व्यस्त हो जाते हैं जी, तब कैसे इसके लिए समय निकाल पाते हैं? तो वो मुझसे पूछते हैं, अगर मेरे पास डेट है, टाइम है, दो घंटे भी हैं और वो काम मैं पूछ लेता हूं तो मैं जरूर जाता हूं। मुझे प्रैक्टिस कहां मिलेगी? आज क्या है, हमारा बहुत एक, मतलब मैं कहूं कि हमारे लिए बड़ा अजीब है ये कि हमारा हिंदी थिएटर, हमारा जो हिंदी नाटक है जी, वो लोगों में उतना लोकप्रिय नहीं है जी। लोकप्रिय ना होने की वजह से उसमें सर्वाइवल नहीं हो पाता जी। और लोग क्या सर्वाइवल, आज की डेट में सर्वाइवल की वजह से हिंदी नाटक उतना प्रचलित नहीं है, छोड़ देते हैं, छोड़ना पड़ता है। आपको क्या घर चलाना है, आपको वो 100 रुपए देंगे, 150 रुपए देंगे, 2000 1500 देंगे, आपका घर नहीं चलेगा। तो वो आपको सीखने तक ठीक है, लेकिन ये डबिंग है, ये बाकी सारी चीजें, तो आपको सीखना और पैसा दोनों मिल जाता है। सही बात है। लेकिन आमतौर पर लोग रियाज छोड़ देते हैं, आप अभी कर रहे हैं, ये मेरा रियाज जो हो भी रहा है, सरलता है, सहजता है और ये आपके व्यक्तित्व की खूबी भी हम कह सकते हैं। सच बात है दोस्तों कि इतने सरल हृदय हैं, इतनी लोकप्रियता के बाद इतनी सरलता से आ जाना आपका, इतने व्यस्त समय से हमें समय देना अपने श्रोताओं के लिए, ये बहुत, मैं तो खुद चाहता हूँ कि मैं जितना, बड़ा अजीब है ना आजकल ये हमारा डिजिटल मीडिया या बाकी सारी चीजें हैं, जो पुरानी कहावत भी है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, तो आपको वो साइट में रहने के लिए, कहीं ना कहीं इसमें मेरा भी तो स्वार्थ है। और इसमें मुझे कहने में कोई हर्ज भी नहीं है कि क्यों नहीं, मेरा स्वार्थ है कि मैं कुछ बोल पाऊंगा, लोग मुझे सुन पाएंगे, उतना मैं लोगों तक फिर पहुंचूंगा। क्या बात है। चलिए पहुंचने की बात आती है तो फिल्म से शुरू करते हैं। किस फिल्म का आप जिक्र करेंगे? पद्मावत में आपका ये भूमिका है। वो तो एक सीन, एक डेढ़ सीन था जी जी, दो दिन पहले ही मुझे लेकिन याद तो रह जाते हैं। बिल्कुल याद रहता है। देखिए मैंने कहा ना कि हर किरदार को बड़े दिल से आप करते हैं, तो उसमें लेंथ से ज्यादा उसमें ये होता है कि वो किरदार कैसा रहा। तो गंधर्व सेन का कैरेक्टर था, तो उसमें मुझे दो दिन पहले ही कॉल आया कास्टिंग से कि ये हम शूट कर चुके हैं लेकिन हम चाहते हैं कि आप करें, क्योंकि सर ने आपका काम देखा हुआ है और संजय जी चाहते हैं कि आप करें। मैंने कहा मैं इतना छोटा रोल कर नहीं पाऊंगा। नहीं नहीं, दो तीन दिन का काम है और ये है, प्लीज आप करें। मतलब उन्होंने जिस तरह से कहा कि आप मानेंगे, संजय जी हर रोल के लिए, छोटे से छोटे रोल के लिए खुद मिलते हैं पहले जी। मैं डायरेक्ट उनसे सेट पे मिला। अच्छा। क्योंकि वो चाह रहे थे कि मैं करूं, उन्होंने मेरा काम देखा हुआ था और मैं गया और एक ही दिन में वो सीन हो गया। अच्छा। मेरी एंट्री भी हो गई, सीन भी हो गया, जबकि सब हैरान थे कि वो तीन दिन मानकर चल रहे थे कि जिस तरह से वो आराम से करते हैं चीजें करते हैं, पर हमने इतना फास्ट कर दिया। तो मैंने कहा पता नहीं मैंने क्या किया, मैंने तो ऐसी, ये हमारे लिए बड़ा नॉर्मल सी बात है जी। उन्हें पसंद आया तो वो एक अलग से याद रह जाती है कि हमने फटाफट जिस तरह से काम किया था। तो पद्मावत में इतना ही रहा वो। मैं चाहता था कि मैं उनके साथ और आगे करूं, क्योंकि वो एक अलग स्कूल है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है वहां से। हाँ ये बात तो है, तो सभी लोग पढ़ाई वहां पे बाकी है। संजय लीला भंसाली जी के बारे में बात चल रही है और वाकई ये बात तो है, सही है कि वो जो घूमर नृत्य की निर्देशिका थी वो भी आई थी, ज्योति तोमर जी, वो भी ऐसी तारीफ करती थी कि वो जितना परफेक्शन से काम करते हैं और बारीक चीजों को देखते हैं, छोटी छोटी चीजों को देखते हैं। और मैंने कहा ना वो मेरी स्कूलिंग बाकी है थोड़ी सी, वो एक स्कूलिंग वो भी जरूर करूंगा, मुझे पूरी उम्मीद है। बिल्कुल।
हमारे साथ हैं मनीष वाधवा जी। जी हाँ, बहुत सारी इनकी जो कलाएं हैं, यानी कि वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छे वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, बहुत सरल व्यक्तित्व है इनका। धारावाहिक में आपने देखा सुना, उसके संग संग बहुत सारी फिल्में जिनका हम जिक्र कर रहे हैं। मणिकर्णिका में आपने जी मोरोपंत की भूमिका जो निभाई है जी, वो भी बड़ी सकारात्मक है। फिर बात आती है कि सकारात्मक नकारात्मक सब संतुलन बना बना कर चलते हैं मनीष वाधवा जी। ये कैसे मिली और उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। बस मुझे कॉल आया सीधा प्रोडक्शन हाउस से कि आप तक आप किस उसमें थे। मैं उस वक्त पेशवा बाजीराव कर रहा था जी। जो हमारे प्रोड्यूसर हैं कमल नथानी जी जी, उन्होंने खुद फोन किया कि आप आ जाएं और मैं ये सीरियल आपका देखता हूं मेरी बीवी के साथ, और वो आपको बालाजी विश्वनाथ भट्ट में बहुत पसंद करती हैं और आप ये रोल कर रहे हैं। आप मानेंगे कोई इसमें लुक टेस्ट कोई नहीं, कोई टेस्ट नहीं, कोई ऑडिशन अच्छा। नहीं, सीधा गया मैं अच्छा। और जाके सीधा साइन कर ली फिल्म। क्या बात। उन्होंने मेरी डायरेक्टर साहब से बात करवाई। तो पहली फिल्म कौन सी थी? पहली फिल्म तो मेरी राहुल थी, राहुल थी प्रकाश झा जी की। उनका कॉम्प्लीमेंट मैं आज तक नहीं भूलता हूँ। वो ऐसे ही जैसे आप मेरे सामने बैठी हैं, वो बैठे थे और उन्होंने मुझे देखा ऐसे, और वो उनकी जो आदत है ऐसे दाढ़ी पर अपना ऐसे उंगली ऐसे करते, उन्होंने मुझे देखा और मैं ऐसे बैठा हुआ था, तो उन्होंने कहा कि मनीष तुम तो ऐसे हो कि मैं तुम्हें दोनों रोल दे सकता हूँ, मैं तुम्हें नेगेटिव भी दे सकता हूँ पॉजिटिव भी दे सकता हूँ। मैंने कहा सर ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, तो अभी फिलहाल इसमें आप ये नेगेटिव रोल करें। है वो पॉजिटिव, क्योंकि कोई भी भाई ये नहीं चाहेगा कि उसकी बहन किसी ड्राइवर के साथ जाए जी। तो एक तरफ से पॉजिटिव है लेकिन बहन की नजरों में और ऑडियंस की नजरों में नेगेटिव है। तो ये रोल आप कीजिए। तो मैंने विलन का रोल राहुल में किया था। क्या बात है। तो इस तरह से ये कॉम्प्लीमेंट्स मिलते गए तो मुझे लगा कि नेगेटिव पॉजिटिव आज भी वही हो रहा है, जैसे आपने कहा कि हर तरह के रोल, ये बहुत कम लोगों को मिलता है इस तरीके का सौभाग्य कह सकते हैं कि ये सौभाग्य की बात है शायद आपके लिए कि दोनों में आप बराबर से चल रहे हैं और लोग पसंद कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे मणिकर्णिका की जी, तो उसमें शुरुआत हो गई आपकी, फिर आप सीधे कंगना रानाउत जी के सामने जी बिल्कुल, उनका बचपन और फिर उसके बाद बड़े जी बिल्कुल हाँ जी वही किया। और हालांकि कुछ सीन्स तो कट भी गए उसमें जी, कोई नहीं बड़ी होती है फिल्में उसमें चलता है। हाँ कोई बात नहीं कर लेते हैं हम, मैं इस बारे में ज्यादा क्योंकि फिल्म उनकी है चीजें उनकी हैं, तो मैं कोई नहीं होता उनके बीच में बोलने वाला जी। अच्छी फिल्म बनाने के लिए शायद करना पड़ता है, लेकिन आपने जब पहली बार इस तरीके से जैसे प्रकाश झा जी के सामने आप बैठे जी, तो कितनी नर्वसनेस थी, क्या आपका वो था जेस्चर? नर्वसनेस तो एक्चुअली मैं बताऊं वो आज भी हो जाती है। अच्छा। और वो स्वाभाविक है, मुझे लगता है कि वो अगर कॉन्फिडेंट मैं दिखाऊं अपने आप को तो मुझे लगता है कि मैं मेरे अंदर आ जाएगी कि मैं सब कुछ सीख गया। जहां मेरे अंदर वो भावना आ गई तो मैं नीचे गिर जाऊंगा। अभी मुझे बहुत कुछ सीखना है, अभी तो मेरी शुरुआत है। तो वो एक नर्वसनेस मुझे ऐसा लगता है, और उस वक्त मैं थिएटर जरूर कर चुका था जी। उन्होंने मेरा वो जया बच्चन जी के साथ जो मैंने प्ले किया था डॉक्टर मुक्ता और माँ रिटायर होती है, उसमें से कोई एक नाटक देखा भी था। अच्छा। तो इसीलिए मुझे वहां से कॉल भी आया था। इसीलिए वो नर्वसनेस इसीलिए होती है या किसी के सामने, क्योंकि जब आप किसी एक ऐसे पुराने यानी जो एक सीनियर के सामने बैठते हैं और उन्होंने बहुत कुछ किया है, तो अगर आप अपने हथियार डाल भी देते हैं, हथियार डालना मतलब ये नहीं होता कि आप कुछ सब कुछ भूल गए, और वो नर्वसनेस मुझे लगता है वो सीनियोरिटी और उसी की होती है, आप उनकी रेस्पेक्ट करते हैं, उसको कई लोग गलत तरीके से ले लेते हैं। लेकिन ये सकारात्मक है और हमें लगता है कि बेहतरीन करने के लिए भी ये सपोर्ट करता है। बिल्कुल देता है, और मुझे लगता है कि अगर आप जितने झुक के रहेंगे उतना ही तो अच्छा है। आप अकड़ के वो फिर वो वही बातें याद आती हैं, अकड़ते तो मुर्दे जिनमें जान नहीं होती जी। चलिए हम बात कर रहे थे मणिकर्णिका की, तो उसकी शुरुआत और उसके बारे में हम बात कर रहे थे, तो पहले उसका एक गीत सुन लें जो आपके ऊपर फिल्माया गया। जी 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 जी। तो आप गाएंगे? वो तो अभी थोड़ा सा याद है, देश का रहे याद तो रहेगा थोड़ा सा। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए, भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार,
राग भारत मुझ पे छेड़ो, झंझनाओ बार बार, झंझनाओ बार बार, मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार, राग भारत मुझ पे छेड़ो, झंझनाओ बार बार। देश से ये प्रेम आंखों से झलकना चाहिए, देश से ये प्रेम आंखों से झलकना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। शत्रु से कह दो जरा सीमा में रहना सीख ले, ये मेरा भारत अमर है सत्य कहना सीख ले। शत्रु से कह दो जरा सीमा में रहना सीख ले, ये मेरा भारत अमर है सत्य कहना सीख ले। भक्ति की इस शक्ति को बढ़कर दिखाना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। भक्ति की इस शक्ति को बढ़कर दिखाना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। है मुझे सौगंध भारत भूलू ना एक क्षण तुझे, है मुझे सौगंध भारत भूलू ना एक क्षण तुझे, रक्त की हर बूंद तेरी है तेरा अर्पण तुझे, युद्ध ये सम्मान का है मान रहना चाहिए। है मुझे सौगंध भारत, भारत है मुझे भूलू ना एक क्षण तुझे, रक्त की हर भारत ये रहना चाहिए। चलिए जब यहाँ पर बात चल रही है तो आप अपने जन्म और स्थान के बारे में बता दें कि आपका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ और कलाकार वैसे अपनी नहीं आयु नहीं बताते लेकिन नहीं, लेकिन आजकल सोशल मीडिया पर सब उपलब्ध है। लेकिन 1972 23 अप्रैल 1972 को अंबाला कैंट हरियाणा में मैं पैदा हुआ जी। अंबाला कैंट मेरा घर है तो अंबाला शहर बोलते हैं वहां जहाँ हॉस्पिटल था। तो सुबह 5:20 पूरा बता दिया मैंने। क्या बात। तो भाई मनीष यादव जी जो भी काम करेंगे बिल्कुल सही और एक्यूरेट करेंगे और जी, पूरा, जितना पूरा, मुझे बताया गया जो मेरे मुझे मेरी मम्मी ने जिसे बताया जी तो... जी चलिए ये अच्छी बात है। 1972 से अभी तक की हम यात्रा की बात कर रहे थे, आपकी अभिनय की दुनिया की बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं गदर 2 जिसमें कि आपका शायद फिल्म के लाइन में एक टर्निंग पॉइंट ये भी साबित हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, एक माइलस्टोन एक ऐसा एक बन गया मेरे लिए जो हमेशा मेरे लिए भी और सबके लिए यादगार रहेगा जी। तो इसमें कैसे आपकी कहना चाहिए कि एंट्री हुई ये देखिए मैंने कहा ना कि चाणक्य के बाद बहुत कुछ चेंज हुआ जी। चाणक्य जब मैंने ये किया था तो वो एक मेरा जो रोल था वो हमारे डायरेक्टर हैं राहुल संकृतिन सर उनके दिमाग में था और एक साउथ की फिल्म वो बना रहे थे श्याम सिंगर रॉय, और वहां से मुझे फोन आया हैदराबाद से तो मुझे लगा शायद एक प्रैंक कॉल है। तो सर मैं ऐसे हैदराबाद से बोल रहा हूँ, लैंग्वेज बेशक वही थी तो मैंने कहा शायद कोई मजाक कर रहा होगा, क्रिएट कर लेते हैं। हाँ तो नहीं नहीं हम बोल रहे हैं और आपको हम 6 महीने से ढूंढ रहे हैं, नहीं 6 महीने से आपको ट्रेस कर रहे हैं लेकिन आपकी डेट्स नहीं मिल रही हैं जी। मैंने कहा डेट्स, मैं एक सीरियल कर रहा हूँ लेकिन डेट्स का कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं आपके जो मैनेजर हैं उन्होंने कहा है कि आप अवेलेबल ही नहीं है। मैंने कहा कौन मैनेजर है भाई मुझे ही नहीं पता जो बोल रहा है कि डेट नहीं है। मेरा मैनेजर है लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा।
तो ठीक है, आप आ सकते हैं सर मिलने के लिए, ऐसा सर रोल है, आप पहले चाहिए तो आपको नरेट कर देंगे। आप मानेंगे जब मैंने रोल सुना तो मैं तो बक्का बक्का रह गया कि क्या करेंगे लोग इतना, मतलब फिर मैंने सोचा कि नहीं। कैसा था रोल? आप देखिएगा, बहुत थोड़ा सा ऐसा है, अगर मैं 20-25 साल पहले करता तो शायद मुझे इसके लिए जूते चप्पल पता अच्छा? नहीं क्या क्या पड़ता। वो जो रोल था, चलो अब तो आ गया लोगों के सामने जी। आपको वक्त मिले जरूर देखिएगा, श्याम सिंगर रॉय, तेलुगु मूवी है और तेलुगु में ही देखिएगा। अच्छा, क्योंकि मेरा किरदार लेकिन बंगाली है उसमें। अच्छा। सो मैं वहां गया और मैं फाइनल हो गया, मुझे वो फिल्म मिल गई, मैंने वो शूट कर लिया, सब कुछ हो गया, रिलीज भी हो गई। लेकिन उसकी तैयारी कैसे आपने की, तेलुगु में कैसे बोला? तेलुगु नहीं था, मेरा कैरेक्टर बंगाली था। अच्छा, बंगाली। तो बंगाली मैंने खुद किया, तो मैंने वो खुद लाइंस उसको वो समझ कर पढ़ कर वो मैंने की, तो बड़ा सराहा गया, तो मुझे वहां उन्होंने प्रेजेंट भी वैसे ही किया। तो ये भी हम बाद में उस बात पर भी आएंगे कि मुझे उन्होंने कैसे प्रेजेंट किया, और जैसे मैंने कहा कि मुझे आईटा में भी, तो मैनिफेस्टेशन जो है वो कैसे काम करता है, मैनिफेस्टेशन जब आपकी बातों से, आप जब बार बार वो बातें बोलते हैं तो वो कैसे बातें दर्ज हो जाती हैं और वो कैसे आप तक पहुंचती हैं और वो कैसे आप पहुंच जाते हैं उस तक, ये बात भी पे आएंगे, बहुत कमाल की बात है वो। क्या बात है। तो अब वो श्याम सिंह और रिलीज भी हो गई, सब कुछ हो गया, मैंने वहां पे काम किया, बहुत पसंद किया उन्होंने। उसके फाइट मास्टर है रवि वर्मा जी, जी वो जाते हैं मनाली गदर 2 के पहले शेड्यूल को खत्म होते ही होते वहां मिलने के लिए अनिल शर्मा जी से जी। कि आगे वो फाइट डायरेक्ट करने वाले हैं इसके लिए। अनिल शर्मा जी 6 महीने से वो किरदार के लिए बंदा अपना ढूंढ रहे हैं कि कौन करेगा, किसी उन्होंने सब फिल्म कलाकारों से, अच्छे अच्छे कलाकारों से, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बड़े बड़े कलाकारों से बात कर ली और कहीं कुछ बात बनी नहीं जी। फिर उन्होंने नए लोगों से बात की, कास्टिंग डायरेक्टर से बात की, कोई उनको वैसा मिल नहीं रहा था। 6 महीने से परेशान थे कि पहला शेड्यूल खत्म हो रहा है, दूसरे शेड्यूल की डेट्स आ गई हैं, सनी पाजी की डेट्स हैं, बाकी लोगों की डेट्स हैं, लेकिन हमारा विलन ही नहीं है। तो रवि वर्मा जी महत्वपूर्ण भूमिका उसकी, मेन रोल है और उसी के साथ कहानी शुरू होती है। रवि वर्मा जी से बात होती है, रवि वर्मा जी देखिए कैसे जुड़ती हैं चीजें, रवि वर्मा जी कैसे उनको वो मिलने जाते हैं अपने लिए, वो पूछते हैं उनसे कि भैया कोई साउथ का है कोई कैरेक्टर, क्योंकि साउथ में भी उन्होंने बात कर ली थी, कोई है जो मुझे मेरे उसके लिए चाहिए। बोलते मेरी एक फिल्म रिलीज हुई है अभी, श्याम सिंह और रॉय, उसमें आपका एक एक्टर है जो आपके यहां से ही है जी, और अच्छा एक्टर है, उसने उन्होंने क्या बोला होगा मुझे नहीं पता। तो उन्होंने वो सीन दिखा दिया, उन्होंने कहा हाँ मुझे तो ये ऐसा ही चाहिए। ओहो। मुझे ऑफिस बुलाया गया और उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से आप ओके हैं पहली ही मीटिंग में। अच्छा। अनिल जी कहते हैं कि मेरी तरफ से आपका जो कद काठी है, जो मुझे आपकी आवाज चाहिए, जो आप जो हैं जी, मुझे बिल्कुल ऐसे ही चाहिए। अब आपको एक बार सनी पाजी से मिलना होगा, क्योंकि हम बड़े वो हैं कि अमरीश पुरी जी थे गदर वन में, अब वहां पर आप आएंगे सेकंड में, क्योंकि लोग हमसे पूछ रहे हैं कि गदर में विलन कौन है, अमरीश जी तो अब रहे नहीं, तो अब विलन कौन है, और हम बड़े उसमें बैठे हैं, सकते में है कि अब कौन करेगा, लोग ऐसा ना हो कि सिर्फ उन्हें ही याद करते रह जाएं। तो जी। अब सनी पाजी हैं नहीं, 4-5 दिन में वापस आएंगे, तो आप उनसे मिलिए, मेरी तरफ से आप ओके हैं, उनसे एक मिलेंगे जरूर। इन 4-5 दिनों में उन्होंने मुझे तकरीबन रोज बुलाया, और क्योंकि डायरेक्टर की अपनी एक नजर होती है, वो देखना चाहते हैं कि मेरा हाव भाव कैसा है, मेरा बॉडी लैंग्वेज कैसा है, क्या है, किस तरह मैं बात करता हूं, मेरा क्या बिहेवियर है हर एंगल से। और एक आध बार उन्होंने मुझे सीन्स भी दिए, क्योंकि बड़ा काम था और वो देखना चाह रहे थे। हाँ, मतलब देखने के लिए, खुद ही अच्छा। आपस में बात करने के लिए, क्योंकि ये ना होना कि उन्होंने देख तो लिया, पसंद तो पहली मीटिंग में कर लिया, लेकिन कहीं बाई चांस की बात है कि कहीं उल्टा ना हो जाए काम, वहां स्क्रीन पे जब फाइनल पहुंच जाएंगे ये ना हो जाए कि वहां पे बोला ही नहीं जा रहा जी। वो भी हो गया। अब सनी पाजी से मिले और सनी पाजी ने सिर्फ 2 मिनट मुझसे बात की, जो इतने शांत रहते हैं, वो इतने कमाल के हैं वो, मतलब एक सनी पाजी और तारा सिंह दो व्यक्तित्व हैं। तारा सिंह इसलिए क्योंकि वो इतना दहाड़ता है, और यहाँ वो आदमी एकदम, मतलब आप मेरे से जितना दूर बैठी हैं उतने भी शायद आपको आवाज आ जाए, इतना स्लो अच्छा। इतना धीमा बोलते हैं वो, इतना प्यार से, इतना मीठा बोलते हैं। तो मुझे बोलते हैं कि मैंने आपका काम देखा है, अच्छा काम करते हैं आप, लेकिन आपको लगता है कि आप ये कर पाएंगे? क्योंकि पूरी इंडस्ट्री, मेरे दोस्त, बाकी लोग ये जानना चाह रहे हैं कि गदर में अब विलन कौन है। अमरीश जी ने बहुत कमाल काम किया था और ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, आपको लगता है ये आप निभा लेंगे? पता नहीं, वो जैसे कहते हैं ना ईश्वर, उस वक्त तो मेरे जबान से निकला कि सर मैं, अनिल जी मेरे साथ हैं, अनिल जी वहीं थे, शक्तिमान जी हमारे राइटर वो वहीं थे, मैंने कहा सर मेरे साथ हैं, आपकी गाइडेंस है, मुझे पूरी कोशिश है, मैं कर लूंगा, बस मैंने इतना ही कहा। तो वो स्माइल किया उन्होंने और मैं बाहर निकला और मुझे फोन आ गया कि आप कर रहे हैं। वाह। तो इस तरह मुझे वो गदर 2 मिल गई। क्या बात। और पहले ही दिन, अगर आपने गदर देखी है जी, जहां पर वो
पहली वाली में हैंडपंप वाला सीन जो इस बार शाही किला में जहां पर वो पहिया उठा लेते हैं तारा सिंह, वो सीन पहला ही सीन मुझे दे दिया अनिल जी ने, और पहले ही बोलते हैं कि दहाड़ो। ओ, बिल्कुल, मतलब देखने के लिए कि मैं कितना, नहीं क्लाइमेक्स नहीं है, मिड, मतलब क्लाइमेक्स से पहले ही नहीं, लेकिन हाँ, मतलब उस तरह से पिच के हिसाब से, यस, कि जहां बेटा बंधा हुआ है, जीते बंधा हुआ है, और वहां पर तारा सिंह की एंट्री होती है, वहां आप शुरू हो जाए। तो मैंने कहा ये तो पहले ही परीक्षा ले ली सर ने, पहले ही दिन लखनऊ में दे दिया इतना बड़ा काम जी। और ईश्वर की कृपा, पहले ही दिन, पहले ही शॉट में सर ने और बाकी यूनिट ने तालियां बजाई। शायद वो मेरा, मुझे वो देने के लिए कि बूस्ट देने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए कि भैया कि सही जा रहे हो तुम। क्योंकि क्या है, कलाकार को वो, हमें आदत है ना कि अगर वैसा कुछ अप्लॉज मिल जाता है, तालियां मिल जाती हैं, तो लगता है कि आप सही जा रहे हैं, आप सही जा रहे हैं, और आगे की जो भी प्रदर्शन हाँ, होता है वो और अच्छा, वो आसान हो जाएगा कि आप फंसेंगे नहीं उसमें, आत्मविश्वास बढ़ जाता है कहीं ना कहीं। वो आप मानेंगे, अगले वो 10 दिन का शेड्यूल था उस सिक्वेंस का, 10 दिन वो लाइन बोलते रहे जो मैंने पहली लाइन बोली थी, सब लोग, पूरी यूनिट। अच्छा। और वो बाद में इन्होंने ट्रेलर में भी डाली, ट्रेलर में भी वो लाइन सुपर हिट रही। तो हम सुनना मैं जानता था ये लाइन आएगी। देखिए, हम तो कहेंगे ही कहेंगे, हमारे बहुत सारे श्रोता भी इंतजार कर रहे होंगे कि इस समय इस कार्यक्रम के बीच में ये जो है ना चार चांद लगना बहुत जरूरी है। तारा सिंह, बड़े मौके पर आया है तू, क्या बात है। तो ये जो लाइन थी, बड़े मौके पर आया है तू, वो आप मानेंगे 10 दिन बाद में भी, बड़े मौके पर आया है तू, बड़ा। तो देखिए, ये जो लाइन है इस समय भी बड़े मौके पर आई है। इसको लाइन को कंप्लीट कर देता हूं, तारा सिंह, बड़े मौके पर आया है तू, आज मिलेगी मेरे कलेजे को ठंडक। क्या बात है। तो ये ये लाइन थी, तो बस ये चलता रहा। मैं बोला बाप रे बाप, ऐसा पहले ही सर ने शायद मेरी परीक्षा ली है भयंकर तरीके से कि मैं इतना कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, और ईश्वर की कृपा। ऐसे इतने हाई पिच पर बोलने के बाद जी, गले को कितनी तकलीफ होती है? थोड़ी सी आदत हो गई है, थोड़ा सा स्ट्रेन पड़ता है ऑफकोर्स, क्योंकि ह्यूमन है, लेकिन निकल जाती है बातें, आराम से हो जाता है। नहीं, मतलब उसके लिए कुछ खास करते हैं, पानी नहीं, पीते नहीं। हैं, कुछ करते हैं या थोड़ा हाँ, अगर ऐसा लगे तो बीच में गर्म पानी पी लेते हैं, लेकिन वो भी मुझे जरूरत नहीं पड़ी। क्योंकि क्या इन्वॉल्वमेंट है अगर आपका, अगर मैं गले को सोचने लग जाऊंगा तो मैं आगे नहीं कर पाऊंगा। ये हमारी सोच है जो उस तरफ मोड़ देती है हमें, कि हमें अरे मेरा ना आज मुझे लग रहा है कि ना मैं जब सोया था तो मेरा गला मुड़ गया ऐसे ना, मेरा वो मतलब ऐसे होता है ना कि कंधे पे थोड़ा सा प्रेशर, तो वो 100% दर्द होगा। ठीक है, हुआ, हो गया, आगे क्या। गदर 2 की बात इतनी चल रही है तो यहाँ पर एक गीत सुन लेते हैं गदर 2 का। गदर 2 के सारे गाने सुनिए आप, कोई भी गाना चलाइए आप, बहुत मजा आएगा आपको, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं सभी गाने। ये शोखी है, शरारत ये, नफासत नजाकत, ये शोखी है, शरारत ये, नफासत नजाकत, बहुत खूबसूरत हो, बहुत खूबसूरत हो, आप सर से पा तक दिल झूम झूम, दिल झूम झूम, दिल झूम झूम जाए, दिल झूम झूम, दिल झूम झूम, दिल झूम झूम जाए, तुम्हें हूर हूर किसी हूर हूर हाँ हूर साए पाए, जुदा है तेरी अदाएं, दिल तेरा कायल हो ही गया, जुल्फें तेरी काली घटाएं, धूप में बादल मिल ही गया, ये तेरी निगाहें करम फरमाए, तू मुझ पे हुआ मेहरबान, मैं कैसे भुलाऊं आपकी इनायत, बहुत खूबसूरत हो, बहुत खूबसूरत।
सूरत हो आप सर से पा तक दिल झूम झूम दिल झूम झूम दिल झूम झूम जाए दिल झूम झूम दिल झूम झूम दिल झूम झूम जाए तुम्हें हूर हूर किसी हूर हूर हाँ हूर साय पाए दिल झूम झूम दिल झूम झूम दिल झूम तरे जाए बातें तेरी जैसे दुआए मन में शामिल हो ही गया दिल में तुम्हारे थोड़ा सा हिस्सा हम मुझको हासिल हो ही गया ये दिल भी तुम्हारा तुम्हारी तरह है जो खुशियाँ मुझे दे रहा हो तुम जिस भी जगह पे वहीं पे हो रौनक बहुत खूबसूरत हो बहुत खूबसूरत हो आप सर से पा तक दिल झूम झूम दिल झूम झूम दिल झूम झूम जाए दिल झूम झूम दिल झूम झूम दिल झूम झूम जाए तुम्हें हूर हूर किसी हूर हूर हाँ हूर साय पाए दिल झूम झूम दिल झूम झूम दिल झूम करे जाए झूम करे जाए खुदा अब बनाता नहीं ऐसे चेहरे के हाँ जिन पे ठहरे जिन्हें देखने से मिले दिल को राहत बहुत खूबसूरत हो आप सर से पा तक। चलिए जब आपने आवाज की बात की है तो चलते हैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट मनीष वाधवा जी से मुलाकात करते हैं जी। ये जो आपकी शुरुआत हुई वॉइस ओवर आर्टिस्ट के तौर पर वो कैसे हुई? देखिए मैंने कहा ना कि हिंदी थिएटर जो है सर्वाइवल के लिए बहुत वो होता है और आप जब स्ट्रगल कर रहे होते हैं बैग आप टांग कर चलते हैं और लोगों से मिलने के लिए मैं ऐसे लोगों से मिलने के लिए ट्रेन में लटक कर बस में बैठकर जगह नहीं होती थी रिक्शा के पैसे नहीं होते थे लेकिन क्या होता था हमारी इंडस्ट्री थोड़ी सी वैसी है और पसीना होता था तो एक स्टॉप या दो स्टॉप पहले उतर जाओ बस से उसके बाद रिक्शा ले लो ताकि 7 रुपये में 6 रुपये में रिक्शा पहुंचा दे इस तरह की स्ट्रगल चलती थी। एक बार मुझे याद है मैं आदर्श नगर में लोटस पेट्रोल पंप के पास खड़ा हुआ था किसी ऑफिस से निकला हुआ था शायद बैग टांगा हुआ था तो मेरे मित्र हैं ऑटो से जा रहे थे उन्होंने रुका मनीष 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 उनका नाम मनोज पांडे है वो ऑलरेडी इस लाइन में है वॉइस ओवर में बहुत अच्छा काम करते हैं क्या कर रहा है क्या कर रहा है जिस तरह से वो बात करता है मैं वैसे ही बात कर रहा हूँ क्या कर रहा है तो क्या कर रहा है आजकल मैंने कहा यार कुछ नहीं बस स्ट्रगल चल रही है और क्या पैसा कैसे करेगा पैसा कैसे कमाता है जैसे वो बात करता है वैसी बात जी मैंने कहा यार क्या करें भैया तो मुश्किल तो होती है बट क्या करें तो डबिंग क्यों नहीं करता तू मैंने कहा डबिंग यार मतलब तू चल बैठ बैठ ऑटो में बैठ आप मानेंगे उसने मुझे अपने ऑटो में बिठा लिया और मुझे सीधा लीला घोष जी के पास ले गया साउंड एंड विजन। अब लीला जी वहां बैठी हैं और वहां पर बाई चांस की बात है निनाद कामत भी बैठे हुए हैं निनाद कामत बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं जी, इस वॉइस ओवर में वहीं बाहर सोफे पर बैठे हुए थे। मनोज पहुंचता है मैम मनीष वाधवा निनाद बोलता है मैम ये मनीष वाधवा है हमारे कॉलेज में हमें कोई अवार्ड लेने नहीं दिया इसने अच्छा ये वो मिठीबाई कॉलेज से थे मैं डालमिया कॉलेज से था ये बहुत कमाल का आर्टिस्ट है इसे प्लीज आप डबिंग करवाओ। मैंने कहा डबिंग करवाओ बस वहां से मेरी डबिंग शुरू हो गई। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा माइक पे बिठा दिया हेडफोन लगा दिया सामने स्क्रीन चल रही है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा लेकिन उन्होंने मेरा साथ दिया कि नहीं इसको ऐसे पढ़ो लाइन को पढ़ो देखो उसके बाद और उस वक्त डिफिकल्ट होता था आजकल बड़ा डिजिटल हो गया बहुत आसानी से कर ले उस वक्त पूरा लूप जाता था वो पूरा रिवर्स जाएगा आपको पूरा वापस करना है अगर आपने मिस्टेक की है तो वो कट कट में नहीं कर सकते हैं जितना आपका बड़ा लूप है आपको उतना करना पड़ेगा। वहां से मेरी डबिंग शुरू। ये मतलब कितने वर्ष पहले की बात है या आपकी उम्र क्या थी उस वक्त? 96 की बात है शायद।
1996 की बात है, जब मैं कॉलेज से पास आउट होकर स्ट्रगल कर रहा था और सारी चीजें हो रही थी, उस वक्त मेरे पास कुछ भी नहीं था। तो आप मानेंगे, जब मैंने कहा ना कि स्ट्रगल के दिन थे बहुत ज्यादा, फोन भी नहीं था घर पर, कैसे कॉल आएगा, तो डबिंग के पैसों से जी मैंने पेजर खरीदा था। हाँ, पेजर चलता था जी, तो उससे मुझे लगा कि, क्योंकि फोन होते नहीं थे, फोन जो बगल में होता था तो कहीं से, मतलब वहां नंबर, रेफरेंस नंबर, वो केयर ऑफ नंबर देते थे हम लोग, तो पता नहीं कुछ कॉल्स मिस भी हुई, ऐसे चल रहा था। ऐसे मेरी डबिंग शुरू हुई। मैंने इसीलिए कहा कि आज भी मैंने वो डबिंग छोड़ी नहीं है। तब आपको ये नहीं लगा कि भाई हमें तो अभिनय करना है तो यहाँ पर क्या होगा? देखिए, कुछ नहीं, ये उस वक्त माना जाता था कि अगर आप डबिंग में हैं, क्योंकि पता नहीं हमारी लाइन में ना बड़ा अजीब चक्कर है कि डबिंग आर्टिस्ट को बड़ा छोटा मानते हैं। अब नहीं, पहले, मैं पहले की बात पहले कर रहा हूं। तो अरे डबिंग करता, ठीक है डबिंग करा लो, करा लो, इस तरह ऐसे हरकतें, इस तरह की लैंग्वेज बात करते थे, ठीक है, करवा लो। मैंने पूछा जी, लेकिन मुझे लगता है कि और डिफिकल्ट है ये। आप उस कलाकार या अपने लिए, खुद के लिए भी जब करते हैं, आप बड़े फ्री होते हैं जब आप काम करते हैं, आप एक्टिंग करते हैं, माइक में आपको बिल्कुल ध्यान से सब चीजें पकड़ कर, आप वो ब्लो नहीं आना चाहिए, ब्लास्ट नहीं होना चाहिए, चीजें समझ में आनी चाहिए। जो आपने जिस तरह से बोला, जितने दिल से, जितने अंदाज में बोला, उसी अंदाज में आपने फिर से करना है। अगर आप किसी और के लिए कर रहे हैं तो वो अंदाज भी पकड़ना है आप जी, उसके पॉज मार्क्स भी देखने हैं, उसकी वो हर चीज को ऑब्जर्व करके आपने किसी भी लाइन को तो कितनी मुश्किल काम, कितना ज्यादा कॉपी करना मुश्किल है, बहुत मुश्किल काम। कॉपी नहीं है, बल्कि कॉपी से ज्यादा है, क्योंकि वो उसने इंग्लिश में या तमिल में या तेलुगु में या किस भी लैंग्वेज में किया हुआ है, आपने वो हिंदी में या किसी और लैंग्वेज में करना है, तो आप तो वो चेंज कर रहे हैं। अगर आप हिंदी टू हिंदी कर रहे हैं तो भी आपको वो देखना है, तो इट्स अ डिफिकल्ट टास्क। कौन सी प्रसिद्ध फिल्म का यहाँ जिक्र करना चाहेंगे? बहुत सारी हैं, जैसे कैप्टन अमेरिका है, मैं विंटर सोल्जर की आवाज करता हूँ, और अभी हाल ही में मेरी वो सीरीज भी चल रही है लिंकन द लॉयर, उसमें हीरो की आवाज मेरी है, मिकी हॉलर की आवाज, और व्हील ऑफ टाइम्स में भी आवाज है, लैन की आवाज है, बहुत सारी आवाजें हैं जो अगर आप देखते हो बाई चांस। लूसीफर में सेकंड सीजन में विलन की आवाज मेरी है, और बेनहर एक फिल्म आई थी उसमें भी हीरो की आवाज मेरी है। हिंदी फिल्म में साउथ की कौन सी फिल्म का आपने किया है? साउथ की मैं बहुत ज्यादा नहीं कर पाया, लेकिन अभी हाल ही में मैंने कुछ फिल्में की हैं, पुष्पा में किया था। पुष्पा में किया था जी। किसका? इंस्पेक्टर का, पुलिस वाले का। ओ नजरें मिलते ही नजरों से नजरों को चुराए, कैसी ये हया तेरी जो तू पलकों को झुकाए, रब जो पोशीदा है उसको निहारे तू, और जो गर्विदा है उसको टाले तू, तेरी झलक शर्फी शिवली नैना मदक बर्फी, तेरी झलक शर्फी शिवली बातें कर दो हरफी, पर ये दीवाना है तेरे पीछे, सर ये झुकने ना दूं दुनिया के आगे, पर तेरी पायल देखूं करके सर नीचे, ना तमन्ना हीरा पन्ना मुझको है बस तेरा बनना, एक झलक तेरी आंखों में ख्वाब सजा जाए, तेरी झलक शर्फी शिवली मदक बर्फी, तेरी झलक शर्फी शिवली बात कर दो अरवी,
थोड़ी तू भली। जैसे ही सोलवा चढ़ जाए सावन, तू क्या हर लड़की दिखे फूलों की कली। पास पे लिपटी लाल साड़ी वो भी दिखे राजकुमारी, झुमके बिंदी और गजरे से रूप निखर जाए। फिर भी तेरी झलक का शर्फी सिबली नैना मदत बर्फी, तेरी झलक का शर्फी क्या। और अभी एक फिल्म आई है जिगर ठंडा डबल एक्स, उसमें एस जे सूर्या जी के लिए किया मैंने। क्या कलाकार हैं वो, क्या सीखने को मिला मुझे, कमाल एक्टर हैं वो। जैसे मैं आप देखिएगा उनका एक अपना अंदाज है, बहुत ही कमाल एक्टर हैं वो। कितनी मॉड्यूलेशन, कितनी आवाज में लेकर आते हैं, मतलब अचानक चलते चलते अपनी आवाज को क्या मॉड्यूलेट करते हैं वो। और जितना जितना चाहिए आपको बिल्कुल ओवर नहीं लगेगा, आप एक ही अंदाज में। जैसे जनरली क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, डबिंग आर्टिस्ट को क्या समझते थे लोग ना, एक ही अंदाज में बोल जाते हैं जी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है किरदार जो आप करते हैं उसमें बहुत सारे ना इमोशंस होते हैं, वो इमोशंस डबिंग आर्टिस्ट जो कुछ अब नहीं, अब तो बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, बहुत अच्छे। तो वो बहुत कमाल कर जाते हैं। पहले ऐसा होता था, इसीलिए शायद वो आपको फील होता था कि यार ये सब वैसे, हाँ डब्ड बोल रहा है, क्योंकि इमोशनलेस हो गया वो बिल्कुल एक ही अंदाज में कि मेरी आवाज ही अच्छी लगनी चाहिए। ये बिल्कुल गलत क्राइटेरिया है कि मेरी आवाज ही अच्छी लगनी उसको चाहिए। जीना चाहिए, उसको जीना, उसके अंदर इमोशंस होने चाहिए तो आपकी आवाज अपने आप अच्छी लगती है। जी जी। तो आप मॉड्यूलेशन की बात कर रहे हैं, तो उम्र के हिसाब से भी आप लोग कुछ आवाज बदल लेते हैं ना? बदलनी पड़ती है, बदलनी एज इन वो आपको आपके अंदर ही होता है, आप वो ले आते हैं आपको देखने के बाद, वो जो आपके डायरेक्टर वहां बैठे हैं वो आपसे वैसा करवा लेते हैं कि ये सर थोड़ा सा ना इसको ग्रफी मत कीजिए, यंग कर लीजिए। तो थोड़ा सा हमें बताए ना कि कैसे करते हैं। खासकर ये सब एनिमेशन में ज्यादा होता है। मैंने एक एनिमेशन की थी फिल्म, उसका नाम था मेगामाइंड, एज मेगामाइंड की हुई है वो, है अभी भी आप देखिएगा बहुत मजा आता है। वो बात करते करते ही ना आवाज पतली से मोटी होती है, कमाल है वो कैरेक्टर। मतलब मैं वो अब तक मुझे वैसा करने को, मुझे कंस में थोड़ा सा वैसा करने को बोला तो मैंने कि तुम आओ मेरी बात सुनो, एक ही करते करते आप पतली से एकदम बेस में आ जाते हैं। तो वो वैसा वैसा जीने को जनरली मिलता नहीं है। वही मैंने जैसे अभी कहा कि एस जे सूर्या जी हैं, उन्होंने काफी कुछ किया हुआ है। अच्छा। रेदासन, सत्यजीत रे का असिस्टेंट फिल्मों का, ऐसे ऐसे बात करते करते अचानक चेंज करते हैं वो। थोड़ा सा बोलिए ना, मैं रेदासन सत्यजीत रे का असिस्टेंट फिल्म बनाऊंगा, तुम फिल्म बनवा काम करोगे क्या, ये का ये अचानक अचानक कुछ करते हैं वो। अच्छा, कमाल है भाई, मैं तो वो अभी भी सीख रहा हूं उनसे। मैंने कहा कि मैं हिंदी में फिर से, जब भी फिल्म आएगी हिंदी पर, हाँ। हिंदी में किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पर मुझे बताइएगा, अभी तो थिएटर में है। क्या बात है। चलिए ये तो हो गई बहुत सारी बातें। आप व्यक्तिगत तौर पर जानना चाहते हैं कि मनीष वाधवा जी किस तरीके की जिंदगी जीना चाहते हैं? देखिए मैं हूं तो आफ्टर ऑल ह्यूमन, इंसान हूं, तो बहुत सारी ख्वाहिशें होती हैं मन में जी, और ख्वाहिशें होनी भी चाहिए। अगर ख्वाहिशें हैं, कुछ एम्स हैं, कुछ गोल्स हैं, तभी तो मैं उस पर पहुंच पाऊंगा, वरना मैं फिर मैं कहीं और ही चला जाता हूं, संन्यास ले लेता हूं, ऐसा तो नहीं है। तो हर चीज चाहता हूं, हर चीज होनी चाहिए, चाहे वो सांसारिक तौर पर हो या मानसिक तौर पर हो। लेकिन एट द सेम टाइम किसी भी तरह की जो ईगो या अकड़ या एक मेरे मन में ये कि मैं तो ये बन गया हूं, मैं तो ऐसा बन गया हूं, ऐसा कभी ना आए। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं हमेशा। ये तो खैर सामने दिख रहा है और आपकी बातों से भी हमारे श्रोता जरूर समझ रहे होंगे। फिर बात आती है कि दिल की बात दिल तक पहुंचती है और ये बिल्कुल पहुंच रही है। हम तो फिर भी सामने देख रहे हैं और हमारे श्रोता जरूर समझ रहे होंगे। शौक की बात करें तो क्या शौक है? मैं क्रिकेट खेलता था, अभी भी कुछ टाइम मिल जाता है तो बुलाते हैं लोग तो मैं चला जाता हूँ क्रिकेट खेलने। और गाने का शौक जो मैंने गाना, जो गाना अभी इन दिनों में तो वो भी नहीं हो पा रहा। मेरा बचपन का एक दोस्त है अजय, तो उनके साथ वो जब भी आते हैं या मैं उनसे मिलता हूं तो हम लोग वो कैराओके पे शुरू हो जाते हैं और बैठे रहते हैं घंटों, गाने गाते रहते हैं, एक वो एक मैं एक मैं, साथ में मिलकर गाते हैं। तो वो कहीं वो शौक पूरा होता रहता है, पूरा होता रहता तो है। वो बीच बीच में बहुत अच्छा काम भी करते हैं, कुछ आश्रम में जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया हुआ है, अपना एक ग्रुप बनाया हुआ है जहां पर आश्रमों में जाकर, चाहे वो वृद्धाश्रम हो, अनाथ आश्रम हो, वहां जाते हैं और वहां जाकर वो सब
मिलकर दोस्त लोग उनके लिए एक कला का एक वो रखते हैं, तो मुझे भी मौका मिलता है कभी कभी, अभी तो नहीं मिल पा रहा है, मनोरंजन करते हैं हाँ, तो क्यों उनके उनके लिए तो कुछ मिलता नहीं है उनको, तो वो एक एक ऐसे ही जाकर कर लेते हैं। क्या बात है, तो वहाँ एक शौक पूरा हो जाता है क्योंकि वहाँ कोई आपको जज नहीं करेगा। तो क्या तो आजकल तो बहुत बेसुरे हो गए हम। देखिए क्या मतलब आपके किसी और के जजमेंट की या किसी और की राय क्या बहुत चिंता। देखिए आपको अपनी राय तो पहले मिल जाती है, आपको पता चल जाता है कि आप कितने पानी में, जैसे कहा ना कि एग्जाम दिया होता है तो आपको पता होता है, तो मेरी थोड़ी सी कोशिश होती है कि मैं उसमें परफेक्ट रहूं। मैं थोड़ा सा परफेक्शनिस्ट की तरफ ज्यादा हूं, जो कई जगह गलत भी साबित होता है। मैं घर में कभी ऐसा बनता हूं तो घर में मैं थोड़ा सा वो हो जाता हूं कि हर बार ऐसा नहीं होता है, तो वो गलत भी है, कई जगह लगता भी है कि नहीं है मैं गलत कर रहा हूँ। चलिए घर की बात आई है तो आपके विवाह के बारे में कैसे हुआ विवाह? कुछ नहीं, अरेंज मैरिज, मेरी मम्मी डैडी ने कहा कर लो, मैंने कर ली, पहली लड़की देखने गए और हो गया। वाह। फिर जब आप गायक थे तो जाहिर है कि शादी में गाना गाया। तो शादी में गाना गाया मैंने, और स्टेज पर जब वहाँ पे ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम रखा हुआ था, ऑर्केस्ट्रा भी था रिसेप्शन में, तो मैं भी चढ़ा दिया, उन्होंने स्टेज पर चलिए आइए माइक पकड़िए गाना गाइए, माइक पर गा दिया, माइक पर गा दिया। तो चलिए इस समय भी सुन लेते हैं कौन सा गीत। अभी तो नहीं गाया जाएगा, अभी नहीं, तो कौन सा गीत सुना हाँ, वो गाना बड़ा अच्छा है, वो बड़ा मुझे बहुत फेवरेट है, सुरेश वाडकर जी ने गाया वो गाना, बहुत ही कमाल का गाना है, मुझे बहुत। और इस दिल में क्या रखा है, और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही दर्द छुपा रखा है, तेरा ही दर्द छुपा रखा है, चीर के देखे दिल मेरा तो, चीर के देखे दिल मेरा तो, तेरा ही नाम लिखा रखा है, तेरा ही नाम लिखा रखा है। पूजा
का नाम खुदा रखा है, प्यार का नाम खुदा रखा है, और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही दर्द छुपा रखा है। फिल्मों की बात चल रही है तो भाई पठान कैसे छोड़ सकते हैं, उसमें भी आपकी सशक्त भूमिका जी और एक नकारात्मक भूमिका थी वैसे कह सकते हैं जी, बिल्कुल जी। तो कैसे किया उसको आपने? मुझे कॉल आया जो कास्टिंग डायरेक्टर हैं उनकी जी, शानू शर्मा जी, तो उन्होंने कहा कि मनीष रोल बहुत लंबा नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जी, उसी से फिल्म स्टार्ट होती है और वो आप सूत्रधार समझ सकते हैं इस रोल को, क्योंकि कहानी वही लेकर आगे जाएंगे। तो मैंने कहा बिल्कुल, मैं बिल्कुल करूंगा। एक तो YRF है, यश चोपड़ा जी की फिल्म है और शाहरुख भाई के साथ में है जी, और इतने अच्छे लोग हैं उसमें, दीपिका हैं, जॉन हैं, तो मैं क्यों नहीं करूंगा, बिल्कुल करूंगा। ये कोरोना की बात है, कोविड के टाइम की बात जी है। जी, तो बस ये कॉल, मैं गया उनसे मिलने और काम हो गया। शूटिंग के समय कोई दिक्कत वैसे तो आपको नहीं होती होगी लेकिन फिर भी? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सिद्धार्थ सर ने बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से काम किया हम लोगों ने, बहुत मजा आया काम करते हुए, क्योंकि ऐसा फील हुआ करते हुए कि कुछ अच्छा हो रहा है। तो आप मानेंगे जब मैंने वो कर लिया, वो शूट कर लिया, जब गदर मिली तो उसमें मुझे फिर वही पाकिस्तानी जनरल का रोल जी। मैंने कहा ये कमाल है, दो फिल्में और दोनों में पाकिस्तानी जनरल, लेकिन दोनों के कैरेक्टर अलग हैं। एक आज का है यानी 2020 का है जो फिल्म में दिखाया गया है जी, जी। और एक 1971 का है, लेकिन उसकी जर्नी शुरू होती है 1946 से, जब वो हिंदुस्तान यानी ब्रिटिश आर्मी में ऑफिसर था, कैप्टन था, उसके बाद धीरे 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 आगे जनरल बन जाता है 1971 में पाकिस्तान का जी। तो मैंने कहा बहुत अलग कैरेक्टर्स हैं, बेशक वो जनरल है तो मजा जरूर आएगा। एक थोड़ा सा रॉ है और एकदम पॉलिश्ड है, जो पठान वाला था पॉलिश्ड था और ये एकदम रॉ, मतलब टफ। तो हाँ, तो बड़ा मजा आया। तो बाद में भी ऐसी भूमिकाएं मिलने लगी? हाँ, हमारी इंडस्ट्री में थोड़ा सा ऐसा है कि आपको उसी रोल के हिसाब से वैसा बुलाते हैं, पर मेरी कोशिश हमेशा होती है कि मैं थोड़ा सा अलग करूं, सेम ना करूं। अब मुझे दो बार लोगों ने पाकिस्तानी जनरल में देख लिया, लेकिन अगर कुछ मिलेगा, अगर इंटरेस्टिंग होगा तो मैं जरूर करूंगा, फिर मैं कोशिश करूंगा कुछ अलग करूं। क्या बात है। आपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस द फॉरगॉटन हीरो, इसमें भी भूमिका निभाई है, कैप्टन इनायत कियानी जी। हाँ, वो एक अलग कमाल का मजा था। वो मैं एक शो कर रहा था आम्रपाली, उसमें हमारे जो डायरेक्टर जो हैं रवि केमुजी वो थे, तो उनके साथ मैंने किया हुआ था, तो वो मुझे बहुत पसंद करते हैं, जो कुणाल केमुजी के फादर हैं जी। तो उन्होंने मुझे बुलाया नेताजी के लिए, और जाते ही मैं श्याम जी से मिला, श्याम जी ने कहा ओके डन। श्याम बेनेगल जी ने बनाई है ये फिल्म जी, जी, मैंने गोवा में इफी में देखा है इसको जी जी जी। उसमें क्या था, सब किरदार जो थे बहुत छोटे छोटे रोल्स के लिए थे, क्योंकि सुभाष जी की जीवनी थी, तो जो जो उनको रास्ते में मिले उस तरह से वो। लेकिन बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं, बहुत सभी उसमें, वो सभी बड़े कलाकार हैं जी। उस वक्त मैं कुछ नहीं था, नहीं अभी भी कुछ नहीं हूँ, लेकिन अभिनय की बात होती है तो सभी कलाकार कलाकार होते हैं, और आपने उसको साबित कर दिया उसमें। थैंक यू। तो उनके संग काम करने का क्या अनुभव था? बहुत कमाल का, बहुत ही सहज, बहुत आसान। वहां तो मुझे याद है बहुत डिफिकल्ट सीन था। मैं डिफिकल्ट इसलिए कह रहा हूँ कि वो पानी के अंदर, हमने नेशनल पार्क में इन्होंने सेटअप किया हुआ था, और पानी भर रखा था उन्होंने कमर तक जी, मतलब पूरा ये सेट था। अच्छा, और हाँ ये सेट था और सेट पानी तक पूरा भरा हुआ था, उसी के अंदर हमें जाके और हाथियों के ऊपर वो बैठ के हमें निकलना था। मुझे याद है वो सीन, जोर से चिल्लाता भी है, बहुत कमाल का सीन था। और लड़ते लड़ते हम लोग बर्मा के उसमें मर जाते हैं, मैं और जाकिर भाई थे, जाकिर हुसैन भाई थे, तो हम दोनों वो रोल कर रहे थे, तो कमाल का एक्सपीरियंस रहा उनके साथ। बीते पल छूने लगे हैं दिल को ऐसे, दोस्त रखे हाथ कंधे पे जैसे, कैसी ये किरने सी छन रही है, कैसी तस्वीरें सी बन रही है, कितने मौसम यादों में हैं आते जाते, बारिश आई खुल गए हैं काले छाते, दिन है अलसाए हुए जो आई गर्मी, सर्दियों की धूप में है कैसी नरमी, पल पल एक समय की नदियां हैं जो बहती जाती है, अपने देश की मिट्टी की खुशबू मुझे याद आती है। Oh,
जगमगाने से लगे हैं कितने चेहरे। एक लोरी है एक लाल बिंदिया, लौट आई है मेरे बचपन की निदिया। वो कोई एक तारे पे कब से गा रहा है, कोई आंचल जाने क्यों लहरा रहा है। हर घड़ी नई बात एक याद आ रही है, दिल में पगडंडी सी जैसे बन गई है। ये पगडंडी मेरे दिल से मेरे देश जाती है। अपने देश की मिट्टी की खुशबू मुझे याद आती है। अपने देश की मिट्टी की खुशबू मुझे याद आती है। ये पता नहीं मैं इसमें जिक्र करूं या ना करूं, एक अग्रीमेंट साइन किया था मुझे एक कुछ पैसों के लिए, जैसे बोलते हैं ना अग्रीमेंट होता है कि आपको इतने फला हाँ, पैसे मिलेंगे, मिलेंगे। वो सीन देखने के बाद मेरे पैसे बढ़ा दिए गए। ओहो। पता नहीं क्या हुआ, मुझे नहीं समझ में आया, आज तक समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। क्या बात है भाई, इसी तरीके से आपके पैसे बढ़ते रहे, आप दिन प्रतिदिन अच्छे अच्छे अभिनय करते रहे, यही दुआ है हमारी तो भाई। और एक चीज और मैं शेयर करना चाहता हूँ, ये जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि हम जो करते हैं हमें वो एक्नॉलेजमेंट अप्लॉज मिलना चाहिए, मिलता है तो ही हम उस पथ पर आगे बढ़े। तो ये मेरे साथ हुआ है कि जो मेरा पैशन है, मेरा पैशन एक्टिंग है, अभिनय, और इसके अलावा मैं कुछ कर भी नहीं सकता, मुझे आता ही नहीं है। तो इस कला के लिए मुझे, इस काम के लिए मुझे पैसे भी दे जाते हैं। मैं जगह जगह पूरे देश विदेश घूमता भी हूँ प्रोड्यूसर के पैसे पर। तो ये एक मेरा सौभाग्य है जो मुझे मिला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें वो काम जिसके लिए हम आगे सोचते हैं, बढ़ना चाहते हैं, अगर अप्लॉज मिलता है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, एक्नॉलेजमेंट मिलता है तो ही आगे बढ़े। तो आपको उसके लिए सारे पर्क्स, जितनी आपकी सारी चीज़ें, आपको अपने आप मिलती जाए। देखिए ये तो आपका बड़प्पन है, लेकिन कहीं ना कहीं कला के लिए भी मेहनत लगती है, एक हुनर चाहिए होता है, रियाज चाहिए होता है, वो आप करते हैं, लेकिन फिर भी आप श्रेय और किसी को दे रहे हैं, ये आपका बड़प्पन है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप जो भी सपने देखें वो पूरे हों, इस शुभकामना के साथ आज की बात को यहीं विराम देते हैं जी। और ढेर सारे आप और सम्मान जीते और एक बार पुनः यहाँ पर आए ढेर सारे और नए अनुभवों के साथ। जी बिल्कुल, आप जब चाहेंगे मैं आ जाऊंगा। वाह क्या बात है, इस आश्वासन के साथ आज इस बातचीत को यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये था अभिनेता मनीष वाधवा से रेणु चतुर्वेदी की फिल्मी गपशप का दूसरा और अंतिम भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंधल, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।